Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद सभी दोस्तों को, सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों अपने अगले स्टेट के बारे में। जी हां दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है ये, जिसमें हम लोग विभिन्न स्टेट्स के बारे में यहां पर चीजों को देख रहे हैं और जीके को दोस्तों पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कर्नाटक के बारे में। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की विशेष बातें देखने वाले हैं। दोस्तों भारत में कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाने वाला कर्नाटक, और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि पांच नदियों वाला प्रदेश अकेला पंजाब नहीं है, बल्कि कर्नाटक भी दोस्तों पांच प्रदेशों वाला प्रदेश ही है, पांच नदियों वाला प्रदेश ही है दोस्तों। तो ऐसे कर्नाटक की खास बात दोस्तों हम लोग करेंगे। हमारे दोस्तों एम विश्वेश्वरिया, जिनका नाम दोस्तों हम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, और इंजीनियर्स डे जिनके नाम पर मनाते हैं दोस्तों, वैसा हमारा कर्नाटक है। तो उसी की पूरी बात दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और जुड़े रहिए दोस्तों इस लेक्चर में। चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों कर्नाटक के इतिहास की, और कर्नाटक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट रही हैं कर्नाटक के बारे में दोस्तों। ये सभी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत अगर करें दोस्तों कर्नाटक की, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कर्नाटक को दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों बनाया गया था विद द नेम ऑफ द मैसूर स्टेट। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम मैसूर स्टेट दोस्तों यहां पर रखा गया था। 1 नवंबर 1956 को यह बनाया गया था, और उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर दोस्तों कर्नाटक कर दिया गया था, याद करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों विजयनगर एम्पायर की बात करें तो कर्नाटक की बात करें और विजयनगर की बात ना करें तो थोड़ी सी दोस्तों यहां पर थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों विजयनगर जो है ये कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस दोस्तों साम्राज्य रहा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही भव्य दोस्तों साम्राज्य रहा है, जो कि दोस्तों एम्पायर रहा था साउथ इंडिया का, और वहीं पर दोस्तों कर्नाटक की लोकेशन में ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। द किंगडम वाज डिफीटेड बाय द डेक्कन सल्तनत, और दोस्तों इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के जब राजा कमजोर हो गए तो बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत फेमस है, जो 1565 में हुआ था, जब डेक्कन सल्तनत ने, यानी डेक्कन की सल्तनत थी, उसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को हराया था, और उसके बाद दोस्तों वहां पर सब उथल पुथल मचा दी गई थी। तो इस प्रकार का विजयनगर साम्राज्य भी दोस्तों कर्नाटक की शान है। आगे बढ़े दोस्तों, अगली बात करें तो दोस्तों यहां पर हम्पी जो शहर है, ठीक है, हम्पी जो शहर है वो दोस्तों विजयनगर के भव्यता की गाथा गाता है। जिन्होंने भी दोस्तों हम्पी को देखा है, हम्पी को जाना है, वो जानते होंगे कि हम्पी दोस्तों इतना भव्य है, इतना विस्तृत है, उसी को देखकर पता लगता है कि विजयनगर एम्पायर अपने आप में कितना ग्लोरीफुल रहा होगा, कितना ग्लोरियस दोस्तों रहा होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर जब आए तो वहां पर उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भी अपना शासन किया, और यहां पर बाद में जब हैदर अली और टीपू सुल्तान का दोस्तों यहां पर शासन हुआ, तो उसके बाद दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद यहां पर दोस्तों अंग्रेजों का भी शासन रहा, और अंग्रेजों ने फिर दोस्तों इस कर्नाटक के पूरे रीजन में दोस्तों यहां पर शासन करा। 1799 में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने दोस्तों कर्नाटक के इस पूरे रीजन को अपने अंडर में ले लिया था। बात करें दोस्तों उसके बाद विजयनगर एम्पायर की, मैंने आपसे बात की, तो विजयनगर एम्पायर जो है दोस्तों मोस्ट एक्स्ट्रा वैगन किंगडम से माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट एक्स्ट्रा वैगन किंगडम में से माना जाता है, जहां पर चार चार राजवंशों ने दोस्तों शासन किया, ऐसा पूरा ये विजयनगर अपना साम्राज्य था, जहां पर दोस्तों गोल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट रत्नों का दोस्तों व्यापार गलियों गलियों में किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर एम्पायर अपने आप में इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था कि वहां पर दोस्तों सोने चांदी और बेहतरीन रत्नों से लेकर सभी का व्यापार हर गली में दोस्तों वहां पर किया जाता था। तो इतना दोस्तों भव्य हमारा विजयनगर साम्राज्य था, जो दोस्तों कर्नाटक के ही इस भाग में दोस्तों रहा करता था। आगे बढ़े दोस्तों, अगली बात करें हम्पी की, तो मैंने आपको बताया कि हम्पी जो है दोस्तों, हम्पी के जो अभी हमें अवशेष मिलते हैं दोस्तों, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में दोस्तों शामिल किया गया। जी ना, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में दोस्तों इस हम्पी को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। और दोस्तों यहां पर क्या था, ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा ही दोस्तों बनाया गया शहर था, बसाया गया शहर था, जहां पर हमें कई कलाकृतियां और कई महान दोस्तों कलाकृतियां हमें अभी भी मिलती है। तो याद करिए हम्पी जो है ये दोस्तों कर्नाटक में है, जहां पर दोस्तों सभी चीजें हमें विजयनगर साम्राज्य की बात बताती हैं। कालांतर में दोस्तों इसका इस्तेमाल हॉलीवुड फिल्म्स के लिए किया गया, यहां पर लोकेशन में उनकी शूटिंग भी की गई और तमाम तरह की चीजें भी दोस्तों यहां पर की गई, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखिए।
आगे बढ़े दोस्तों। तो सर्व बेल गोला, जल्दी से मुझे बताइए सर्व बेल गोला ये किस मौर्य सम्राट के नाम से संबंधित है। जी हाँ, सर्व बेल गोला ये दोस्तों किस मौर्य सम्राट के नाम से संबंधित है, ये जल्दी से मुझे बताइए। सर्व बेल गोला, इस जगह को सुनकर आपके दिमाग में कौन से सम्राट का नाम दोस्तों यहां पर आता है, मुझे इसका आंसर तेजी तेजी से दीजिए। सर्व बेल गोला दोस्तों जहां पर 18 मीटर की ऊंची दोस्तों स्टैचू है गोमतेश्वर की, जो कि दोस्तों एक जैन तीर्थ स्थान है, यानी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है दोस्तों सर्व बेल गोला। अब इस सर्व बेल गोला के नाम से मुझे बता दीजिए कि कौन से सम्राट का नाम आपको ध्यान में आता है, मौर्य सम्राट कौन से थे वो जिनका नाम दोस्तों आपको ध्यान में आता है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, सुरजीत जी, बिल्कुल सही बताया आपने, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही यहां पर बताया आपने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों यहां पर सर्व बेल गोला में अपना अंतिम समय बिताया था, मैं आपको बता दूं। और यहीं पर दोस्तों 18 मीटर की ऊंची दोस्तों मोनोथोलिक स्टैचू भी है गोमतेश्वर का, जो कि दोस्तों जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। और यहीं पर दोस्तों गोल गुंबज और बीजापुर भी दोस्तों पाया जाता है, जो सेकंड लार्जेस्ट प्री मॉडर्न डोम है जस्ट आफ्टर द बिजेंटाइन हगिया सोफिया। यानी यहां पर दोस्तों गोल गुंबज और बीजापुर जो है वो देखिए पीछे आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही दोस्तों गोल गुंबज और बीजापुर है जो कि दोस्तों कर्नाटक के सर्व बेल गोला में पाया जाता है, इसको यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए। बिल्कुल 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 आगे बढ़ते हैं। तो अगर 18 फीट की हम लोग बात करें तो वो दोस्तों गोमतेश्वर जो है, गोमतेश्वर का स्टैचू है जो ये 18 फीट के स्टैचू की बात की गई है, गोमतेश्वर का दोस्तों ये स्टैचू है जो कि मोनोथोलिक स्टैचू है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध दोस्तों यहां पर तीर्थ स्थान रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, तो अगली बात करेंगे हम लोग यक्षगान की। जी हाँ, यक्षगान जो है दोस्तों ये एक कर्नाटक का बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है, जो कि दोस्तों कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में यानी तटीय प्रदेशों में दोस्तों इसको गाया जाता है, तटीय प्रदेशों में इसको किया जाता है, ऐसा पॉपुलर डांस है यक्षगान दोस्तों, जो कि हमारा क्या है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध डांस फॉर्म दोस्तों यहां पर होता है। यहीं पर बात करें दोस्तों गोलोका की। अब ये गोलोका यहां पर क्या चीज है, तो इस यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द रामचंद्रपुर मैप ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों क्या किया गया है, डेवलप किया गया है डिफरेंट इंडियन ब्रीड काउस को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए दोस्तों यहां पर कई सारी चीजों को यहां पर बनाया गया है। 500 से भी ज्यादा ब्रीड्स हैं जो गायों की हैं दोस्तों, उनको फाउंड किया गया है इस आश्रम में। 500 से भी अधिक प्रकार की जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनको दोस्तों यहां पर रखा गया है, उनको संरक्षण दिया गया है इस गोलका नामक दोस्तों प्रोजेक्ट के माध्यम से। याद करिएगा, दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गोमूत्र थेरेपी सेंटर टू डेवलप अ मेडिसिन कॉल्ड द अकरा फॉर ट्रीटिंग द एलिमेंट सच एज द कैंसर। यानी यही दोस्तों गोलका में ही क्या किया गया है, जो आश्रम से वहां पर गौमूत्र से दोस्तों कैंसर तक के इलाज की थेरेपी का दोस्तों यहां पर प्रबंध किया गया है, ऐसा वहां पर दोस्तों वहां पर व्यवस्था की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान करनी है, गोलका जो कि दोस्तों कर्नाटक में चलाया गया प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय नस्ल की जो गायें हैं उनका संरक्षण किया जाता है। और यक्षगान दोस्तों यहां का पॉपुलर डांस फॉर्म है, इसको भी आपको यहां पर याद कर लेना है। ये दोस्तों यक्षगान का देखिए एक चित्र मैंने आपको दिखाया है, इस प्रकार का दोस्तों यहां पर ये यक्षगान का डांस फॉर्म रहता है, इस प्रकार की वेशभूषा यक्षगान की रहती है, इसको आप एक बार देख के समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बात करें तो ये देखिए गोमतेश्वर स्टैचू, जो मैंने अभी बात की थी 18 मीटर का जो गोमतेश्वर स्टैचू है दोस्तों, जो हमने अभी बात की थी 18 मीटर का जो गोमतेश्वर स्टैचू था, वही दोस्तों ये मैंने आपको यहां पे दिखाया है। ये 18 मीटर का गोमतेश्वर स्टैचू है दोस्तों, 58 फीट ऊंचा है दोस्तों गोमतेश्वर स्टैचू, जो श्रवण बेल गोला में दोस्तों स्थित है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू, ध्यान रखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू, ध्यान रखिए अगर मोनोलिथ की बात की जाएगी तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोनोलिथ जो स्टैचू है वो दोस्तों यही गोमतेश्वर स्टैचू है, जो 58 फीट ऊंचा है और दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में दोस्तों स्थित है। ये आप लोग यहां पे याद करिए, जैन धर्म का प्रमुख दोस्तों ये तीर्थ स्थल है, प्रमुख दोस्तों ये स्थान है, इन दोनों को आप लोग यहां पर याद करिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस फैक्ट के बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल। जी हाँ, कर्नाटक दोस्तों अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत जाना जाता है, और यहीं पर मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक में बहुत ही सुंदर सुंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल है, यानी सबसे ज्यादा जो झरने हैं दोस्तों वो यहां कर्नाटक में ही है, भारत में याद कर लीजिएगा। मोस्ट नंबर ऑफ वाटरफॉल जो है दोस्तों वो यहां पर इंडिया में है, ये आप याद करिए, और इंडिया के भी कर्नाटक में दोस्तों यहां पर है, ये आप लोग यहां पर याद कर लीजिएगा। काफी
इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं यहां पर। अगला पॉइंट है संस्कृत विलेज इन कर्नाटका। जी हां दोस्तों, मट्टूर, मट्टूर नाम याद कर लीजिए या माथुर नाम याद कर लीजिए। ये माथुर या मट्टूर, ये दोस्तों एक विलेज है, एक गांव है कर्नाटक का, जहां दोस्तों केवल और केवल संस्कृत ही बोली जाती है। जी हां, जैसे हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक का ये गांव है, इसका नाम है मट्टूर। यहां दोस्तों पूरी तरीके से आम बोलचाल की भाषा संस्कृत है, वहां पर संस्कृत में ही लोग बात करते हैं, संस्कृत में ही बातचीत करते हैं, और आम डेली लाइफ में जिंदगी में दोस्तों वो लोग संस्कृत का ही इस्तेमाल यहां पर करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, मट्टूर नाम है दोस्तों इस गांव का, जो कि कर्नाटक में है, और पूरी तरीके से दोस्तों यहां पर सभी लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी लोग संस्कृत भाषा का ही दोस्तों यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार का दोस्तों यहां पर एक गांव है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन फ्लैग। जी हां दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है, कर्नाटक को दोस्तों ऑफिशियली लाइसेंस मिला हुआ है कि वो भारतीय झंडों का, इंडियन फ्लैग का दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, इंडियन फ्लैग का प्रोडक्शन कर सकता है दोस्तों। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो बंगेरी हुबली, एक कर्नाटक में जगह है हुबली, ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है हुबली, ठीक है। इस हुबली में ही दोस्तों यहां पर क्या है, झंडों को यानी भारतीय झंडे जो हैं उनको बनाने की दोस्तों यहां पर परमिशन मिली हुई है, और हुबली में ही दोस्तों यहां पर यूनिट है जो कि ऑथराइज है, जहां से दोस्तों भारतीय झंडे बनाए जा सकते हैं और भारतीय झंडों का सप्लाई दोस्तों किया जा सकता है। तो ऐसा भारतीय झंडे बनाने का जो दोस्तों यूनिट है वो केवल कर्नाटक में ही है दोस्तों, और कर्नाटक के भी हुबली में दोस्तों यहां पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कर लीजिए, ओल्डेस्ट लाइब्रेरी दुनिया की सबसे पुरानी दोस्तों लाइब्रेरी जो है वो दोस्तों मैसूर में बनी हुई है, जो 1891 में दोस्तों बनाई गई थी। जी हां, 1891 में बनाई गई थी, नोन एज द ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी इसको हम लोग ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है जो कि दोस्तों भारत में पाई जाती है। ओल्डेस्ट पुस्तकालय, सबसे पुराना पुस्तकालय जो है वो दोस्तों यहां पर पाया जाता है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, मैसूर में दोस्तों स्थित है ये, 1891 में इसको बनाया गया था, और अब इसको ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से दोस्तों यहां पर जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इंडिजिनियस आर्टिलरी इंडस्ट्री दोस्तों यहां पर याद करिए, जो हैदर अली सुल्तान था दोस्तों, वर द फर्स्ट बिल्ड द आर्टिलरी इन इंडिया, यानी जो मैसूर का दोस्तों राजा था हैदर अली, उसने दोस्तों सबसे पहले भारत में आर्टिलरी को बनाना शुरू किया था, और उसके बाद दोस्तों 1780 में द क्रिएटेड द फर्स्ट मेटल सिलेंडर एंड आयरन केज रॉकेट आर्टिलरी, और उसके बाद दोस्तों पहली बार 1780 में यहां पर दोस्तों मेटल सिलेंडर और आयरन केज जो रॉकेट थे वो दोस्तों यहां बनाया गया था। तो आर्टिलरी इंडस्ट्री जो है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं कर्नाटक के इर्द गिर्द दोस्तों घूमती है, याद कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार दोस्तों हैदर अली ने ही भारत में इस आर्टिलरी का दोस्तों यहां पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो यहीं पर दोस्तों क्या हुआ है, जो कर्नाटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक है दोस्तों, उसका ओरिजिन हम माने तो कर्नाटक को दोस्तों मान सकते हैं। द स्टेट वॉज होम टू पुरंदर डासा, वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक एंड टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन सच एज द पंडित भीमसेन जोशी। जी हां, पंडित भीमसेन जोशी का नाम दोस्तों हम सभी ने सुना होगा, पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के दोस्तों एक पिलर है, ये स्तंभ है पंडित भीमसेन जोशी। और दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे पुरंदर दास की, जी हां, पुरंदर दास का भी नाम हमने सुना होगा, पुरंदर दास जो कि कर्नाटक म्यूजिक के, कर्नाटक संगीत के दोस्तों एक स्तंभ है, ये दोनों का ही जन्म दोस्तों कर्नाटक में ही हुआ। तो इसका मतलब कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का ही दोस्तों ओरिजिन जो है वो कर्नाटक रहा है, और दोनों के लिए दोस्तों जो स्तंभ है वहां के भीमसेन जोशी और पुरंदर दास, दोनों का ही जन्म दोस्तों यहां पर कर्नाटक में ही दोस्तों हुआ है। तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों म्यूजिक के लिए दोस्तों यहां पर ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों, अगला पॉइंट देखें तो मैसूर प्लेस दोस्तों, मैसूर प्लेस सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों,
जो अपना मैसूर प्लेस है, इसके बारे में पहले भी बात किया कि ये दोस्तों क्या है, ये अपना सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है अमृतसर साहिब के बाद। जी हाँ, अमृतसर में जो हमारा गोल्ड टेंपल है उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड दोस्तों जो है वो हमारा ये अपना हो जाता है मैसूर प्लेस। दोस्तों इसको आप लोग यहां पर ध्यान रखिए, ब्यूटीफुल और एवरिंग मैसूर प्लेस द है मोस्ट विजिटेड स्पॉट है इंडिया का, सेकंड है ओनली ताजमहल के बाद। दोस्तों ये भी आप लोग यहाँ पर याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कर्नाटक कल्चर है, कर्नाटक के ट्रेडिशन को शो करता हुआ ये मैसूर प्लेस दोस्तों मैंने दिखाया आपको, ये आप लोग याद करिए। यहाँ पर आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां पर देखिए कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का नाम लेना दोस्तों बहुत जरूरी है, जो कर्नाटक के दोस्तों इतिहास में अमर है, और दोस्तों यही वो पहली महिला है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दोस्तों अपना मोर्चा संभाला था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सभी ने सुना है दोस्तों, लक्ष्मीबाई की कथा हम सभी ने सुनी होगी, लेकिन दोस्तों लक्ष्मीबाई से बहुत पहले अगर महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें हम लोग, तो रानी लक्ष्मीबाई ने तो 1857 में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों अपना झंडा बुलंद किया था और अंग्रेजों को नाकों चने चबाए थे, लेकिन उनसे भी बहुत वर्ष पहले रानी चेन्नम्मा ने करीब करीब 1700 अगर हम 80 की बात करें तो 1780-90 के क्षेत्र में दोस्तों रानी चेन्नम्मा ने दोस्तों क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध यहां पर दोस्तों जबरदस्त मुकाबला किया था और अंग्रेजों के दोस्तों छक्के छुड़ा दिए थे। तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली ये रानी कित्तूर की रानी थी दोस्तों, कित्तूर इनकी जो किंगडम थी वो थी, कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा दोस्तों, कर्नाटक की पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों यहां पर युद्ध का मोर्चा संभाला था। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बात करें तो सबसे ज्यादा जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जी हां, जो भारतीय साहित्यिक पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भी दोस्तों कहां से हैं, कर्नाटक से ही हैं, याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं दोस्तों वो भी हमारे कर्नाटक से ही हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों दिया जाता है किसके लिए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में अप्रतम योगदान देने वाले जो साहित्यकार होते हैं उनको दोस्तों ये ज्ञानपीठ अवार्ड यहां पर दिया जाता है। और उन्हीं में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है आउट ऑफ 51 पीपल हैविंग वॉन दिस अवार्ड अक्रॉस द नेशन टिल 12-12 हिंदी हैज बैक द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड, कन्नड़ इज क्लोज एट सेकंड पोजिशन एज मच एज 8 अवार्डी, यानी हिंदी के बाद कन्नड़ भाषा के जो हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड रहे हैं ये सबसे ज्यादा दोस्तों रहे हैं कर्नाटक से। कुल मिला के 8 ऐसे साहित्यकार हैं जिनको दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड यहां पर मिल चुका है, ये आप लोग याद करिए, ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों याद कर लीजिए, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार माना जाता है और उसमें भी दोस्तों कर्नाटक से सबसे ज्यादा लोग यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहला इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेडियो स्टेशन दोस्तों, जो भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन था, प्राइवेट रेडियो स्टेशन था दोस्तों, वो भी कर्नाटक में ही खोला गया था दोस्तों 1935 में प्रोफेसर एम वी गोपाला स्वामी के द्वारा। जी हाँ, प्रोफेसर एम वी गोपाला स्वामी के द्वारा ही दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी दोस्तों कर्नाटक में ही खोला गया था, इस बात को भी यहां पर याद करिए, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए हो जाती है, भारत का पहला दोस्तों जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है वो भी दोस्तों यहां कर्नाटक में ही ओपन किया गया था, इस बात को भी दोस्तों आप लोग यहां पर याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों, अगला पॉइंट देख लीजिए, एम विश्वेश्वरैया। जी हां दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया द वन नेम दैट गिव्स अस गूज़बम्प्स ऑल द टाइम एंड वन नेम दैट इज वर्शिप्ड इन द मांड्या एंड द मैसूर पार्ट ऑफ द स्टेट इन द ग्रेट सर एम विश्वेश्वरैया। जी हां दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो इनका नाम भी ढंग से ना ले पाए, लेकिन दोस्तों एम विश्वेश्वरैया वो व्यक्ति हैं जो दोस्तों भारतीय इंजीनियरिंग के एक तरह से पिता कहे जाते हैं, और इन्हीं की जयंती पर दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग डे भी दोस्तों मनाते हैं। जी हां, एम विश्वेश्वरैया दोस्तों भारत के पहले इंजीनियर माने जाते हैं और भारत में इंजीनियरिंग के दोस्तों पिता माने जाते हैं, और ये भी दोस्तों कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं। जी हां दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया ये दोस्तों कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं और भारतीय इंजीनियरिंग के, भारतीय अभियंत्रिकी के दोस्तों पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, और इन्हीं की जयंती पर दोस्तों हम लोग इंजीनियर्स डे को भी दोस्तों मनाते हैं, ये आप लोग याद करिए। तो ऐसे महान दोस्तों हमारे जो एम विश्वेश्वरैया हैं वो दोस्तों कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से ही दोस्तों उनका संबंध रहता है।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो लैंड ऑफ फाइव रिवर, ये दोस्तों एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, ये एक पॉइंट बहुत ही खास दोस्तों आप सभी के लिए होने वाला है। हम पंजाब को जानते हैं पांच नदियों के शहरों के रूप में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पंजाब को जानते हैं पांच नदियों के प्रदेश के रूप में। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब दोस्तों अपना अगर हम बात करें इस कर्नाटक की, तो कर्नाटक भी दोस्तों जो है वो पांच नदियों वाला प्रदेश है। मैं आपको बताऊंगा अभी पांच नदियों के नाम दोस्तों। तो कर्नाटक भी हमारा जो है दोस्तों वो पांच नदियों वाला प्रदेश है, ये भी आप लोग यहां पर याद कर लीजिए। अब अगर बात करें यहाँ की पांच नदियों की दोस्तों, तो याद कर लीजिए विजयपुरा has many rivers stream passing through it, including the Krishna, Bhima, Doni rivers दोस्तों, पांच नदियों वाला ये भी दोस्तों यहाँ पर अपना प्रदेश हो जाता है। चाहे भले हम पंजाब को मानते हैं पांच रिवर वाला प्रदेश, वो तो है ही पांच रिवर वाला, बट इफ वी से दैट कर्नाटक has city of five rivers, yes, विजयपुरा दोस्तों यहाँ पर भी पांच नदियों से ज्यादा नदियां दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दलीप कासवान जी, मंजुनाथ जी, सोनी यादव जी, आयुष जी, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं, बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, अगली बात करते हैं दोस्तों। यहां पर कुक्के सबरमाया दोस्तों मंदिर, जी हाँ कुग्रे सबरमन्या मंदिर है दोस्तों कर्नाटका का, has found equally large number of old devotee following। जी हाँ दोस्तों यहां पर याद करिए, जिस प्रकार से बाकी जगहों पर दोस्तों बहुत सारे भक्तगण जाते हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक में यह मंदिर है जो कि दोस्तों कुग्रे सुब्रमण्या मंदिर दोस्तों कहलाता है। ये कर्नाटक का मंदिर है और यहां पर भी दोस्तों मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डिवोटी है दोस्तों, और केवल आम आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है दोस्तों जो इस मंदिर को यहां पर देखने आ चुके हैं, यहां पर दर्शन करने आ चुके हैं दोस्तों। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो सर्प दोष होता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो सर्प दोष दोस्तों होता है, इस सर्प दोष को खत्म करने के लिए ही यहां पर लोग दर्शन करने आते हैं। और ऐसा विश्वास माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से, यहां पर देवों के दर्शन से दोस्तों सर्प दोष जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है और वो दोस्तों को भी कोई परेशानी नहीं देता। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुक्के सुब्रमण्या मंदिर दोस्तों ये बहुत फेमस है कर्नाटक का, इसको भी आप लोग यहां पर याद करिए। साथ में बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक का क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉफी एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों। कर्नाटक जो है वो कॉफी के एक्सपोर्ट में विभिन्न प्रदेशों के बीच में दोस्तों अपनी खास पहचान रखता है। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो बाबा बुंदागिरी, कोडागु या चिकमंगलूर, हसन, ये दोस्तों ऐसी जगह है जहां से दोस्तों कर्नाटक क्या करता है, ये कॉफी को एक्सपोर्ट करने काम करता है दोस्तों। तो कॉफी के एक्सपोर्ट में वन ऑफ द बिग स्टेट दोस्तों बन जाता है हमारा कर्नाटक। याद करिए सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात करने वाले प्रदेशों में दोस्तों कर्नाटक का भी नाम है, ये भी आप लोग यहां याद करिए। कॉफी की बहुत ज्यादा खेती दोस्तों यहां पर की जाती है और कॉफी को यहां पर पूरी तरीके से एक्सपोर्ट दोस्तों यहां पर किया जाता है। ये दोनों बातें आप लोग यहां पर याद करेंगे तो मजा आएगा। आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ यहां पर फेमस टेम्पल्स हैं जिनके नाम दोस्तों आपको याद करने हैं। ये टेम्पल्स के नाम दोस्तों हमारे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और यहां पर कई बार दोस्तों नाम आ जाते हैं। तो इन फेमस टेम्पल्स को दोस्तों आपको याद करिए, उडुपी टेम्पल है, उडुपी श्री कृष्णा मेहता टेम्पल है दोस्तों, द मरिकम्बा टेम्पल है सिरसी में, श्री मंजुनाथ टेम्पल है धर्मस्थला में, कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल जिसका मैंने नाम बताया आपको, एंड द सबरदम्बा टेम्पल है श्रीनगरी में, सर्वर बेल गोला या मुदा बिरदरी या करकाला और फेमस ऑफ जैन हिस्ट्री मॉन्यूमेंट्स हैं यहां पर। इसके अलावा दोस्तों कुंडल संगमा और भसवाना भागेवाड़ी दोस्तों ये मंदिर है यहां पर, ये भी आप लोग याद करिए जो लिंगायत समुदाय संबंधित है दोस्तों। ऐसे खास खास मंदिर दोस्तों यहां पर याद करिए जो कर्नाटक की शान को दोस्तों और भी बढ़ाते हैं। इन सभी मंदिरों के साथ दोस्तों आप लोग ये नाम याद करिए, ये नाम दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करें दोस्तों यहां पर और भी बहुत सारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, यानी जो यहां पर दोस्तों विरासत सूची उनकी अगर बात करें तो अमृतेश्वर टेम्पल दोस्तों चिकमंगलूर में, वातापी दोस्तों गुफाएं हैं जो कि बालाकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वातापी दोस्तों जो है वो वातापी साम्राज्य की बहुत सारी चीजों को रखता है, तो वातापी दोस्तों यहां पर करिए वातापी जो बालाकोट डिस्ट्रिक्ट में है। बेलूर टेम्पल है जो तो हसन डिस्ट्रिक्ट में है, हेली बिडू टेम्पल है दोस्तों होयसला टेम्पल जिसको बोलते हैं हसन डिस्ट्रिक्ट में है, मैसूर प्लेस है यहाँ पर, भोग नंदेश्वर टेम्पल है, द केम्प गोड़ा फोर्ट है दोस्तों जो मगाडी में स्थित है, गोल्डन टेम्पल और नम डोरलिंग मोनेस्ट्री है दोस्तों जो ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो बैक्यापुल में स्थित है दोस्तों, मिर्जन फोर्ट है जो उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और दोस्तों वीर नारायण टेम्पल है जो बेलावाड़ी विलेज में स्थित है दोस्तों। ऐसे कई सारे यहाँ पर दोस्तों मंदिर है जो कि कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। इन सभी के नाम दोस्तों आप लोग याद करिए, जगहों के नाम से दोस्तों
यहां पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें आगे दोस्तों कर्नाटक की, तो यहां कर्नाटक में दोस्तों तीन यहां पर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, यानी जो हम्पी हमारा ऐतिहासिक शहर है, उस हम्पी में दोस्तों जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्मारक हैं, वो सभी दोस्तों यहां पर कर्नाटक की हेरिटेज साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में दोस्तों यहां पर पाए जाते हैं, उनको रखा गया है अपने यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत सूची में। इसके अलावा दोस्तों एक जगह है पट्टाडकल, ठीक है, पट्टाडकल में जो दोस्तों जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पट्टाडकल में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दोस्तों, ये सारे मॉन्यूमेंट्स भी दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे गए हैं। और दोस्तों कर्नाटक के जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, इनको भी दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहां पर रखा गया है। ये सारी बातें आप लोग याद कर लीजिए, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये हो जाती हैं। साथ ही बात करेंगे नेशनल पार्क की दोस्तों, तो कर्नाटक में कुल मिला के 5 मुख्य नेशनल पार्क हैं। एक है अपना अंशी नेशनल पार्क, दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, तीसरा है बनरघट्टा नेशनल पार्क, चौथा है कुंडेरमुख नेशनल पार्क, और पांचवा है दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क। ये 5 दोस्तों यहां पर नेशनल पार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कर्नाटक की दृष्टि दोस्तों, और भारत की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। इसको दोस्तों यहां पर आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये 5 नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं यहां पर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर दोस्तों यहां पर बहुत सारी सेंचुरी हैं जिनके नाम दोस्तों यहां पर देखिए मैंने दिए हैं। इन सभी नामों को एक बार अगर याद कर लेंगे तो यहां दोस्तों आपको आसानी हो जाएगी इन सभी को याद करने में दोस्तों। तो ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दोस्तों इतने सारे नाम है, ये सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सारी दोस्तों हमारे कर्नाटक में स्थित है, इनको याद कर लीजिए, इनके नाम दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लीजिए। दारोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या गोलाबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखिए बहुत सारी सेंचुरी है यहाँ पर, बहुत सारी जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनके नाम दोस्तों आप लोग यहाँ पर जरूर से याद कर लीजिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर कुछ खास बातें हम लोग देखें कि क्या इनका एम्बलम है और क्या चीज है, तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों तो कर्नाटक की लैंग्वेज तो कन्नड़ लैंग्वेज ही है, कर्नाटक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो कन्नड़ लैंग्वेज ही है, कन्नड़ भाषा दोस्तों यहां पर लोग बोलते हैं बहुतायत में, जो कन्नड़ भाषा है दोस्तों वो यहां की राज्यभाषा भी है कन्नड़ भाषा। सॉन्ग की बात करें तो जय भारत जननी है तनु जाते, ये दोस्तों यहां का सॉन्ग है। डांस की बात करें दोस्तों यक्षगान जो है वो दोस्तों यहां का राज्य नृत्य है। अगर एनिमल की बात करें तो एशियाई हाथी एशियन एलिफेंट जो है दोस्तों वो यहां का प्रसिद्ध दोस्तों हाथी भी है और दोस्तों यहां का राज्य पशु भी है। अगर बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर जो है दोस्तों वो यहां का राज्य पक्षी है। अगर फ्लावर की बात करें तो लोटस यानी कमल जो यहाँ का क्या है एक राज्य पुष्प है। और ट्री की बात करें तो सैंडलवुड जो है दोस्तों वो यहाँ का राज्य वृक्ष हो जाता है। तो ऐसी कुछ खास बातें भी आप लोग यहाँ पर याद करिए जो आपको दोस्तों यहाँ पर नंबर दिलाएंगी और आपके दोस्तों अच्छा यहाँ पर करेंगी। साथ ही बात करें दोस्तों यहां पर कैपिटल की, तो हम सभी को मालूम है बैंगलोर दोस्तों कैपिटल है बैंगलोर, और इसी को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली याद कर लीजिएगा, बैंगलोर को ही हम लोग दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो दोस्तों बहुत फेमस है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से दोस्तों यहां पर उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो यहां पर बहुत डेवलप है। लार्जेस्ट सिटी भी दोस्तों बैंगलोर है, कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दोस्तों 31 है। और अगर बात करें यहां पर गवर्नर की तो थावरचंद गहलोत दोस्तों अभी इस समय कर्नाटक के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बसवराज बोम्मई दोस्तों जो है वो यहां के चीफ मिनिस्टर है। अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की तो यहां के राज्य विधानमंडल में दोस्तों विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा की बात करें तो 224 सीट है, और विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट दोस्तों यहां पर विधान परिषद में है, ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोस्तों कुल मिलाकर 75 सीट है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में दोस्तों कुल मिलाकर 224 सीट है। उसी प्रकार का संसद की बात करें तो कर्नाटक से राज्यसभा की 12 सीटें आती हैं, और कर्नाटक से लोकसभा की दोस्तों कुल मिलाकर 28 सीटें दोस्तों यहां पर आती हैं। ये सारी बातें आप लोग यहां पर याद करिए, अब दोस्तों ये सारी बातें आपको नंबर यहां पर दिलाएंगी, और ये सारी बातें दोस्तों आप सभी के फायदे में दोस्तों रहेंगी, आप सभी के काम में दोस्तों ये बातें आने वाली है। चलिए
तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको कर्नाटक के बारे में दी, उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट की दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए आप दोस्तों अभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है @shubhamsir_testbook। ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, सभी तरह के डाउट भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और सभी तरह के इंटरेक्शन दोस्तों मेरे साथ कर सकते हैं। तो अभी तुरंत जाकर दोस्तों टेलीग्राम पर क्या करना है आपको, सर्च करना है। टेलीग्राम पर क्या करना है, सर्च करना है आपको, वहां सर्च कीजिए @shubhamsir_testbook, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों क्या करना है, सर्च करना है आपको, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @shubhamsir_testbook और दोस्तों वहां से आप ये ग्रुप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके लिए यहां पर टेस्ट बुक का पास दोस्तों अवेलेबल है। तैयारी करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दोस्तों बिल्कुल भी यहां पर मजा आने वाला नहीं है। तो टेस्ट बुक पास के द्वारा दोस्तों तैयारी जरूर कीजिए। 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो 400 से भी ज्यादा एग्जाम में दोस्तों काम में आने वाले हैं। तो तुरंत दोस्तों इस पास को लीजिए। कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे आप SUA पास, ये दोस्तों कोड है, अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो 30% के डिस्काउंट के साथ दोस्तों आपको ये टेस्ट बुक का पास मिल जाएगा। तो आज ही दोस्तों लीजिए और इसका इस्तेमाल दोस्तों करिए। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एग्जाम की तो एसएससी सीजर का 2022 का दोस्तों फाउंडेशन लाइव कोचिंग बैच आपके लिए शुरू हो चुका है। 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन दोस्तों यहां पे मिल रहा है आपको, जिसमें 400 से भी ज्यादा लाइव क्लास मिल रही है, 400 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और 50 से भी ज्यादा दोस्तों यहां पर टेस्ट आपको मिलेंगे, 150 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। तो इस बैच को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है SHUBHAMA, ठीक है। इस कोड के इस्तेमाल दोस्तों आपको मिल सकता है यहां पर 20% का डिस्काउंट। तो जब भी कोई भी बैच testbook.com पर लीजिए तो वहां पर दोस्तों कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सके। साथ में सर आपको मैं बता दूं कि आप सभी के लिए यहां पर टेस्टबुक की लाइब्रेरी भी शुरू कर दी गई है। testbook.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोग इस फ्री लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में दोस्तों आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो लेसन्स, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। तो आज ही दोस्तों testbook.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों इस लाइब्रेरी का फायदा उठाना शुरू कर दीजिए। चलिए तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ओवर करूंगा। इन जानकारियों के बाद दोस्तों उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगली बात करेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, अगले स्टेट की बात करेंगे। सभी स्टेट की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं दोस्तों, तो अगले स्टेट की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस से बिल्कुल दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।